नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आरेख देखे थे हम लोग। दोस्तों, आज उसी का हम लोग प्रयोग करके जो है दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको जानने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम आपको कुछ जानकारी दे देना चाहेंगे प्रतिबिंब के बारे में। कि देखिए दोस्तों, अगर प्रतिबिंब जो है अगर हमारा दर्पण के आगे बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों वास्तविक प्रतिबिंब होगा? क्योंकि उसको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हम लोग उसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, इसका इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में पहला वाला हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो इसमें पहले वाले कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो पहले हम लोग इसका किरण आरेख बना लें, फिर उसी के आधार पे हम लोग इसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसका बना लेते हैं, पहले इसका हम किरण आरेख बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाएंगे देखेंगे। जब वस्तु अनंत पर, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए अवतल दर्पण, देखिए दोस्तों, कराएगी जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए यहाँ कहीं अनंत है, तो अनंत पर वस्तु है तो इससे चलने वाली किरणें क्या होंगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कल हम लोग किरण आरेख में आप लोग को बताए थे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मान लीजिए अगर वस्तु कहीं अनंत पे रखा हुआ है तो उससे चलने वाली किरणें जो है, वो किरणे वाली जो वस्तु से चलने वाली किरणे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि चाहे जितनी भी किरणे आएंगी परावर्तन के पश्चात वो फोकस से ही होकर जाएंगी। तो सभी किरणे जो है परावर्तन के पश्चात एक मुख्य फोकस पर ही प्रतिच्छेद कर रही है अथवा मिल रही है। तो इसका जो वस्तु हमारा अनंत पर है उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग चार कंडीशन दिखाएंगे। पहला इसका हम लोग दिखाएंगे स्थिति। तो पहला हम लोग इसको दिखाएंगे स्थिति। तो स्थिति में पहला हम लोग देख रहे हैं कहां बन रहा है, फोकस पर। और दूसरा वाला दिखाएंगे, इसका हम लोग बताएंगे प्रकृति। तो दोस्तों हम आपसे अभी बताए थे जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो प्रकृति उसकी वास्तविक होगी। तो ये आगे बन रहा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। अब इसके बाद तीसरा और हम लोग इसका देखेंगे कि विन्यास कैसा होगा। विन्यास में क्या बताना है? विन्यास में हमको ये बताना है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग की इमेज कहीं इधर बन रहा है, लेकिन ये कीड़े जो है नीचे की तरफ कट कर रही हैं। तो या फिर और भी जितने भी हमारे पास इमेज प्राप्त होंगे अवतल दर्पण द्वारा, वो आगे जो भी आगे प्राप्त होंगे वो उल्टा ही बनेगा। तो इस आधार पे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इमेज होगा वो क्या होगा, इसका विन्यास जो होगा वो उल्टा होगा।
और चौथा वाला कंडीशन इसमें देखेंगे आकार। तो आकार देख रहे हैं दोस्तों, वस्तु इतना बड़ा है लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बन रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये हो गया दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, और विन्यास क्या होगा, उल्टा होगा, और आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। अब इसके बाद चलेंगे दूसरा नंबर पे चलेंगे, जब वस्तु जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो। दूसरा वाले में देखेंगे, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता, या इसको हम लोग सीधे लिख देते हैं सी, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में कहीं, बीच में कहीं पर हो। तो इसके लिए देखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग इसका किरण आरेख बना लेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु रखा है ए बी, जो कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रखा है। तो जो अब इससे चलने वाली कीड़े जो होंगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कीड़े होंगी, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली जाएंगी। और दूसरी किरण इसमें जो है हम लोग को मिलेगा, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जो होकर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से जो है वापस लौट आएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कीड़े जहाँ पे मिल रहे हैं उसी को मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये हमारा जो वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा ए डैश बी डैश। तो अब इसके बारे में ही हम लोग को लिखना है। तो पहला इसमें हम लोग दिखाएंगे स्थिति। तो स्थिति इसका हम लोग देख रहे हैं कि सी तथा एफ के बीच में, और दूसरा वाला इसमें हम लोग दिखाएंगे प्रकृति। तो प्रकृति इसका क्या होगा, ये भी आगे बन रहा है, माने वास्तविक होगा, वास्तविक। और तीसरा वाला इसमें हम लोग को दिखा देंगे विन्यास। तो विन्यास इसका क्या हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं कि ए बी इस तरह से रखा है, जबकि इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नीचे की तरफ बन रहा है, माने उल्टा हो जाएगा। और चौथा वाला हम लोग देखेंगे आकार। तो आकार जो है वस्तु से छोटा, देख रहे हैं वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये दो कंडीशन हो गया दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच में कहीं पर हो। अब तीसरा वाला कंडीशन में हम लोग चलेंगे, जब वस्तु सी पर हो। तो इसके लिए क्या होगा देखेंगे हम लोग। जब वस्तु सी पर है, माने वक्रता केंद्र पर जब रहेगा, तब क्या होगा इसके लिए देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई हमारा वस्तु ए बी है, जो कि वक्रता केंद्र पर रखा है ए बी। तो यहाँ से पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कीड़े हैं, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएंगी, और दूसरी किरण जो है इसमें जो फोकस से होकर जाएगी, वो जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी।
तो अब इन दोनों कीड़ों को अगर हम लोग मिलाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे हमको प्रतिबिंब मिलेगा, ये वस्तु अगर ए बी रखा है तो इसका प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश बी डैश। तो इसके लिए अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो देख रहे हैं कि वस्तु जहाँ पे रखा गया है प्रतिबिंब भी वहीं पे बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग कह देंगे जब वस्तु सी पर हो तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वहाँ कहाँ पे होगी, सी पर होगी, ये होगी। और इसका प्रकृति जो दोस्तों देख रहे हैं कि आगे बन रहा है, तो आगे के लिए हम लोग प्रकृति क्या ले रहे हैं, वास्तविक ले रहे हैं, वास्तविक। और तीसरा इसका विन्यास, विन्यास देख रहे हैं वस्तु इस तरह से रखा गया है और इसका उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे विन्यास हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा। और इसके बाद आकार, आकार देख रहे हैं जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वस्तु के बराबर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, तीन कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, चौथा वाले में चलें। चौथा वाले में देखिए दोस्तों कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र माने ये वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य हो तब क्या होगा, जब वस्तु सी तथा यप के मध्य हो तब इसके लिए क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु रखा है ए बी, तो इससे चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरा चीज ये होगा कि जो मुख्य अक्ष के जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी। तो अब इन दोनों किरणों को अगर हम लोग मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो हमको ये वाला प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो वस्तु हमारा रखा है ए बी और जबकि इसका प्रतिबिंब हमको मिल रहा है ए डैश बी डैश, तो ये वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब हम लोग को मिल रहा है ए डैश बी डैश। एक बार फिर से इसको देख लेंगे, ये वस्तु ए बी है तो इससे जो चलने वाली समांतर किरणें है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी और दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएंगी। तो दोनों कीड़े जहाँ पे काट रहे हैं उसको मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब इसके बारे में चारों कंडीशन अगर हम लोग को लिखना है तो स्थिति देखना है इसका कहाँ पे है, वक्रता केंद्र के पीछे, तो लिख सकते हैं सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। और दूसरा इसका लिखेंगे हम लोग प्रकृति, तो प्रकृति देख रहे हैं कि आगे बन रहा है तो आगे के लिए हम लोग क्या मिलेगी, वास्तविक, वास्तविक हो गया। और तीसरा वाला इसमें विन्यास, तो विन्यास का मतलब हम लोग को बताना उल्टा कि सीधा, देख रहे हैं वस्तु ये भी इस तरह से रखा है प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो क्या बने मिलेगा हम लोग को, उल्टा। और डी इसमें होगा आकार, तो आकार इसमें क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, देख रहे हैं कि ये भी इतना बड़ा है जबकि प्रतिबिंब इसका बहुत ज्यादा बड़ा है माने वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये चार कंडीशन हुआ, पांचवा कंडीशन देखेंगे इसमें, कि जब वस्तु फोकस पर, पांचवा जब वस्तु फोकस पर हो, तो जब वस्तु फोकस पर होगा तब उसके लिए कैसे हम लोग किरण आरेख बनाएंगे पहले उसको समझ लेते हैं।
जब वस्तु होकर तो फोकस पर मान लीजिए ये कोई वस्तु हमारा रखा है ए बी कोई फोकस पर वस्तु रखा है तो इससे जो चलने वाली समांतर किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और एक दूसरी किरण जो कि बताए थे आप लोग क्योंकि यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो देख रहे हैं कि ये दोस्तों ये दोनों समांतर किरणें हैं लगभग तो ये दोनों यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रही हैं तो जहाँ पे मिल रही हैं उसको हम लोग मुख्य अक्ष से मिला के प्रतिबिंब बना रहे हैं तो इसको मान लेते हैं कि हम अनंत पर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? अनंत पर मिलेगी, अनंत पर। तो अनंत पर मिलेगी तो इसको यहाँ से मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अब इसी के आधार पे हम लोग इसका जो है स्थिति बताएंगे तो स्थिति हम लोग कहाँ कह सकते हैं? अनंत पर होगा, अनंत पर। और प्रकृति आगे बन रहा है तो फिर से वास्तविक होगा। और विन्यास, विन्यास इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि जितना भी आगे है वो उल्टा ही बनेगा तो विन्यास को भी हम लोग कह सकते हैं उल्टा। और आकार, आकार दोस्तों देखेंगे कि ये अनंत पर होगा माने मुख्य अक्ष से जब इसको मिलाएंगे तो जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बहुत बड़ा मिलेगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये पांच कंडीशन हुआ। छठवां कंडीशन देखेंगे दोस्तों कि जब वस्तु जो है फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु जो है फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब इसके लिए क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले किरण आरेख बना देंगे, किरण आरेख देखेंगे इसका दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें कहा है कि फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य मान लीजिए हमारा कोई वस्तु रखा है ए बी, ये हो गया। अब इसके बाद जानते हैं हम लोग दोस्तों कि जो मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी तो इसको हम लोग ऐसे बना लिए। और दूसरी किरण इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो किरण हमारा ये जो ध्रुव पर आपतित होगी या जितना हम लोग पहले पढ़े हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि जितने कोण पर आपतित होगी उतना ही कोण से ये परावर्तित होगी माने इस तरह से ये परावर्तित हो जाएगी। यहाँ से ध्रुव पर जो कीड़े आपतित होंगी वो परावर्तित होगी कुछ ही दिशा में चली जाएंगी। तो दोस्तों देख रहे हैं दोनों ही परावर्तित किरणें आपस में कहीं पे भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं बल्कि जैसे जैसे आगे जा रही हैं फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं पर ये मिलेंगी नहीं, तो जब मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पीछे इसको मिला देते हैं। तो पीछे जब इसको मिलाएंगे तो हम लोग को दर्पण के पीछे या प्रतिबिंब प्राप्त होने लगेगा। तो दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है। तो ये जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब हम लोग को मिलेगा ए डैश बी डैश। तो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये आगे तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है और दूर ही हटता जा रहा है। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग पीछे ही मिला सकते हैं। तो पीछे मिलाएंगे तो हमको इस बिंदु पर मिल रहा है, इसको मुख्य अक्ष से मिलाने के पश्चात वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमको ए डैश बी डैश मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और प्रकृति में हम लोग को क्या मिल रहा है? दर्पण के पीछे है तो दोस्तों बताया था कि आगे रहेगा तो वास्तविक होगा और पीछे रहेगा तो आभासी होगा, आभासी।
और इसके बाद विन्यास हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु भी जैसे है उसी तरह प्रतिबिंब भी इसका बना है, माने सीधा होगा। अब तीसरा वाला देख रहा है आकार, तो वस्तु इतना बड़ा जबकि प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, माने वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये होगा दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसके बाद देखेंगे उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तर दर्पण में देखेंगे दोस्तों दो कंडीशन ही केवल उसमें पढ़ना है, कौन कौन सा है देख लेते हैं। दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जब पहले वाला देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो पहले इसका हम लोग किरण आरेख बना लेंगे, फिर इसके बाद स्थिति प्रकृति विन्यास और आकार बताएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसमें हम लोग बना लेते हैं इसका किरण आरेख। करा जब वस्तु अनंत पर हो तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक उत्तल दर्पण। मान लीजिए दोस्तों वस्तु अनंत पर है तो इससे जो चलने वाली समांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर चलने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसा हम लोग दर्पण से परावर्तन के लिए किरण आरेख में पिछले लेक्चर में बताए थे, तो ये जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो देख रहे हैं दोस्तों की जो भी हम लोग को ये परावर्तित किरण है वो कहाँ पे मिल रही है, मुख्य फोकस पर ही मिल रही है या वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहीं पे जो हमारा वस्तु अनंत पे रखा है तो जो किरणें हैं हमारे कहाँ पे मिल रही है, मुख्य फोकस पे मिल रही है, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग लिख देंगे, ये वस्तु के बारे में दिया है जब वस्तु अनंत पर हो तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी या यप पर होगी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब दूसरा करा प्रकृति, तो प्रकृति में दोस्तों देखिए ये दर्पण के पीछे बन रही है, तो दर्पण के जितने भी पीछे बनेगी आप लोग शुरू में ही बताया कैसे बनेगी, आभासी होगी। अब इसके बाद इसका विन्यास बताना है, तो विन्यास बनेगी उल्टा की सीधा, जो भी पीछे बनता है वो भी सीधा, तो इसमें हम लोग बता देंगे कि सीधा बनेगी। और इसके बाद आकार, आकार देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है, कहीं भी अनंत में बहुत बड़ा वस्तु रख रहा है लेकिन इसका प्रतिबिंब केवल बहुत ही छोटा बन रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ये कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें देखेंगे दोस्तों जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किरण आरेख बना लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ये मान लीजिए हमारा कोई वस्तु ए भी है, तो इससे चलने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात हम लोग को मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, और दूसरी किरण जो हम लोग को
वक्रता केंद्र की तरफ वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ऐसे देख रहे हैं ये दोनों कीड़े इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष से मिला देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस स्थिति में क्या होगा कि पी तथा एफ के मध्य, पी तथा एफ के मध्य, और इसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति हम लोग देख रहे हैं दर्पण के पीछे, तो प्रकृति इसकी क्या होगी, आभासी होगी। और विन्यास, विन्यास में दोस्तों हम लोग को बताना उल्टा की सीधा, तो देख ही रहे हैं कैसा बन रहा है सीधा। और आकार, आकार में हम लोग को बताना है तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये रहा दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख लिए और उत्तल दर्पण द्वारा भी हम लोग प्रतिबिंब का बनना देख लिए। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसको देखेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, ये रिलेशन होता है दोस्तों। इसको हम लोग चलिए प्रूफ कर देते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए हमारा ये कोई अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हमारा अवतल दर्पण है, तो पहले मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई किरण डाल देते हैं यहाँ पे, तो जो किरण होगा अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होता हुआ जाएगा, मुख्य फोकस से होता हुआ जाएगा। तो ये मुख्य फोकस से होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि अभिलंब डाल देते हैं, इस बिंदु पर अभिलंब डाल दिया जाता है, इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं मान लीजिए आर। तो इस बिंदु पे आर पे क्या डाल दिया गया है, अभिलंब, और इसका भी नाम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं हम लोग क्यू। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगी उसको हम लोग एंगल ऑफ आई या आपतन कोण, और इसको एंगल ऑफ आर यानी परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन का जो नियम होता है, तो परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यहाँ से अगर हम लोग इसी कोण को और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू आर सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी आर एफ, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दो समांतर कीड़े हैं, कौन कौन सी, चूंकि क्यू आर ये समांतर है किसके, सी पी के, QR ये समांतर है किसके, CP के। जब ये समांतर है
तथा ये और सीआर इसको क्या कर रही है, काट रही है, सीआर इसको काट रही है या तिर्यक रेखा है। तो देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं, अगर ये दो समांतर रेखाओं कोई तीसरी रेखा काटे तो इसमें अल्टरनेट एंगल जो है एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये जो एंगल आई है इस एंगल सी के बराबर होगा। तो एंगल आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर सी ये बराबर होगा इस वाले एंगल के, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर सी पी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखे दोस्तों, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग देखे समीकरण एक तथा समीकरण दो, समीकरण एक तथा समीकरण दो से देखेंगे दोस्तों, इधर भी क्यू आर सी इधर भी क्यू आर सी है। जब बाएं पक्ष का बराबर है तो दाएं पक्ष का भी बराबर होगा, माने सी आर एफ बराबर हो जाएगा इसके कोण आर सी पी की। अब देखिए दोस्तों ये त्रिभुज में अगर हम लोग देखें किसमें किसमें, सी आर एफ में, यदि सी आर एफ में देखेंगे दोस्तों तो सी आर एफ एक तो ये कोण किसके कोण के बराबर है, आर सी पी के, माने आर सी पी के माने इस वाले कोण के बराबर है। तो इस वाले कोण में अगर इस वाले त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे सी एफ आर वाले में, तो देख रहे हैं कि ये एंगल आर इसके एंगल सी के बराबर है। और जबकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो आपस में तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यदि ये दो कोण ऐसे लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज सी आर एफ में, सी आर एफ में हम लोग दिखा सकते हैं कि कोण सी आर एफ बराबर है आर सी पी के जो है बराबर है, माने इस कोण के बराबर है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होगा तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी, माने इस वाले कोण के सामने की भुजा ये सी एफ ये किसके बराबर हो जाएगी, इस वाले कोण के सामने की भुजा किसके आर एफ की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि ये जो इसका द्वारक इतना बड़ा है, इस दर्पण का द्वारक इतना बड़ा है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा रहेगा तो ये किरण कहीं पे यहाँ पे गिरे, तो यहाँ पे गिरने का मतलब है कि जो ये वाली किरण है अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये वाली किरण। अब अगर मान लीजिए अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण का द्वारक छोटा होने से क्या होगा दोस्तों कि जो ये वाला किरण है या हम लोग इसको कह सकते हैं आर एफ, जो आर एफ है वो पी एफ के लगभग लगभग बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का यदि द्वारक बहुत छोटा होगा दोस्तों तो क्या होगा, तो दर्पण का द्वारक अगर यदि बहुत छोटा होगा तो आर एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के लगभग लगभग बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एफ लगभग लगभग बराबर होगा किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर तीन और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर चार। तो समीकरण तीन और चार से तुलना कर देंगे हम लोग समीकरण तीन एवं समीकरण चार से, समीकरण तीन एवं समीकरण चार से हम लोग क्या मिलेगा कि आर एफ बराबर सी एफ है और आर एफ बराबर पी एफ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी एफ बराबर दोनों पक्षों में हम लोग इसमें पी एफ जोड़ देते हैं, तो इधर भी पी एफ जोड़ देंगे और इधर भी पी एफ जोड़ देंगे। तो अब इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, इधर भी पी एफ जोड़ दिया गया, यहाँ पे क्या किया गया है दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों ये जो समीकरण हमको मिला है इसमें दोनों पक्षों में पी एफ हम लोग जोड़ दिए। तो पी एफ जोड़ने में क्या होगा, देखिए यहाँ पे सी एफ प्लस पी एफ माने ये सी एफ और ये पी एफ पूरा मिला के हमको क्या मिला देगा,
सीपी दे देगा और इधर जो है पीएफ प्लस पीएफ हम लोग कितना मिल जाएगा 2 पीएफ। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोस्तों कि सीपी सीपी हमारा जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे लिखते हैं आर से। और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 और यहाँ पे पीएफ, पीएफ जो है क्या है फोकस दूरी है, तो यह इक्वल टू अगर निकालेंगे तो आर बाई हम लोग क्या मिल जाएगा 2। ये फार्मूला हम लोग इस तरह से निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है क्लास 10th के लिए, बाकी सब अगले लेक्चर में आएगा। धन्यवाद।